आप देख रहे हैं आज तक और हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री आवास पर नाश्ते का कार्यक्रम है जहां पर 9 नए चेहरे और साथ में 2 ऐसे जिन्हें प्रमोशन मिलने की पूरी पूरी संभावना अब हो चुकी है वो सब वहां पर मौजूद हैं। अब से घंटे भर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। हिमांशु, कब तक निकलना है यहां से सबको और कुल मिलाकर यही 11 चेहरे जो पहुंचे हैं उसके लिए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा? देखिए, बिल्कुल ये 11 चेहरे की जो जानकारी है अभी तक हमारे पास आई है और अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक के अंदर है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आप देखिए उन 9 चेहरों को तो वो घुट्टी पिलाई ही जा रही है 4P की, लेकिन उन दो चेहरों को भी घुट्टी पिलाई जा रही है जो पहले से काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन दिया जा रहा है लेकिन बख्शा उनको भी नहीं जा रहा। उनको भी कहा जा रहा है कि देखिए परफॉर्मेंस को बरकरार रखना होगा, डिलीवरी लगातार करते रहना होगा, ये प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सुस्त रहना होगा। इसीलिए उनको भी जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बता रहे हैं कि आपको आगे भी किस तरीके की डिलीवरी करनी है और किस तरीके से काम करना होगा। यही है नरेंद्र मोदी का जो है विजन और ये नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है कि वो किसी को भी लाइक और डिसलाइक पर नहीं जाते, वो काम के आधार पर देखते हैं कि कौन जो है बेहतर है और कौन नहीं है और जिसकी जरूरत जहां होती है उसको वहां के लिए काम दिया जाता है। तो इसीलिए इन दो नए जो लोग हैं इनको भी कैबिनेट में जगह दी जा रही है और सब कुछ सोच। जी जी, एक सवाल जरा अगर आप पूछे कि क्या CCS का कुछ आकार प्रकार बदलने वाला है क्या? हिमांशु, इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए बिल्कुल CCS का जो आकार है और प्रकार है वो बिल्कुल बदलेगा जैसा सवाल शशि जी ने पूछा है, क्योंकि जो रक्षा मंत्री है उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि वो बहुत ज्यादा दिन तक जो है वो रक्षा मंत्री नहीं रहने वाले हैं और हमारे सूत्र बताते हैं कि कल वो रक्षा मंत्रालय भी गए थे, उन्होंने वहां पर जो पेंडिंग फाइल्स थी उनको भी निपटा दिया है और उन्होंने वहां के अधिकारियों से बातचीत की, उनको धन्यवाद दिया उनको सहयोग करने के लिए। तो ये जरूर है कि CCS का जो आकार है वो बदलेगा, एक सरप्राइजिंग नाम जो है वो जरूर आएगा एक रक्षा मंत्री के तौर पर सबके सामने। और हमेशा ये कहा जाता है श्वेता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश की जनता को हमेशा सरप्राइज देते रहे जी, और वाकई इसका सबसे ज्यादा इंतजार सबको रहेगा। लेकिन अशोक जी, पहले मैं ये आपसे जान लेना चाहती हूं कि सहयोगी को प्रतिनिधित्व नहीं कैबिनेट में, क्या नीतीश कुमार को इसके लिए पूरी चर्चा हुई होगी और उसके बाद यह फैसला लिया गया है या हम कुछ मनमुटाव आने वाले दिनों में देख सकते हैं? देखिए श्वेता, मामला फंसा एक बड़ा पोर्टफोलियो JDU चाहता था, खासतौर से रेल मंत्रालय पे उनकी नज़र थी, खुद नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे हैं और लालू प्रसाद यादव बिहार से कई कई रेल मंत्री रहे हैं, तो उनको बिहार के जो पार्टियां उनको ये रहता है कि रेल मंत्रालय मिलना चाहिए, इसी को लेके मामला फंसा और बातचीत की गई थी बीजेपी की ओर से JDU से नीतीश कुमार से कि आप लोग, क्योंकि इसीलिए वो NDA में शामिल भी हुए थे, NDA में शामिल होने का फैसला जो JDU ने किया था 19 तारीख की मीटिंग में, इसीलिए किया गया था कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले ये फैसला करके कैबिनेट एक्सपेंशन में शामिल हुआ जाए, लेकिन मामला फंसा बड़े पोर्टफोलियो को लेकर। उनका ये मानना था कि कोई अच्छा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग RJD से अलग होकर के बीजेपी के साथ आए हैं तो एक मैसेज जाना चाहिए, लेकिन मामला फंसा बात नहीं बनी और JDU के नेताओं की तरफ से यह बयान आया कि हमको कोई जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं नाराज है JDU इस बात को लेकर कि उनको तरजीह नहीं दी गई जिस ढंग से वो चाहते थे कैबिनेट एक्सपेंशन में, और उसी ढंग से शिवसेना चाहती थी कि उनको 3 पोर्टफोलियो मिले, एक कैबिनेट का, 2 MOS का, लेकिन वो भी बात नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं सहयोगियों को लाने की कोशिश जरूर हुई लेकिन जिस ढंग से सहयोगी चाहते थे सरकार के अंदर अपनी प्रतिनिधित्व, तो वो नहीं मिल पाया। बीजेपी और अमित शाह मोदी उस ढंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं उनकी अकॉर्डिंग, इस वजह से ये मामला फंसा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेटल होंगी और एक और छोटा कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, सहयोगियों को जरूर शामिल किया जाएगा, खासतौर से JDU को बीजेपी चाहेगी कि शामिल हो सरकार के अंदर। इसमें एक मैं अशोक की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा श्वेता, क्योंकि NDA में भी घटक दल हैं, तो शिवसेना को यह नाराजगी थी कि आप JDU को 2 क्यों दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने नेगोशिएशन करने के लिए अपना एक और नाम बढ़ा दिया और अब रेल मंत्रालय या कृषि मंत्रालय JDU की अपनी डिमांड थी, क्योंकि असल में जरूरत बिहार को इस समय कृषि मंत्रालय की है, बिहार के ही हालांकि नेता कृषि मंत्री हैं लेकिन अगर वो JDU को मिल जाता तो नीतीश को शायद ऐसा लगता हो कि वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, लेकिन शिवसेना की अड़ंगे की वजह से इनको रुकना पड़ा और आज नहीं तो कल ये सेटल जरूर हो जाएगा।
पर सहमति से रुके हैं। सहमति के बजाय मैं इसको ये कहूंगा कि इसको थोड़े दिन के लिए टाला गया है ताकि एक अच्छी बेहतर कॉन्क्रीट सहमति बन सके। और जब एक बड़ा कुनबा बनता है तो आप याद करें पहले भी इस तरीके के क्लैशेस होते रहे हैं, कभी संख्या बल के आधार पर, कभी लॉयल्टी के आधार पर, कभी अपने महत्व के आधार पर। जी हिमांशु के पास हम चलते हैं। हिमांशु, गाड़ियां निकलने का सिलसिला वहां से शुरू हो गया है, नाश्ता पूरा? बिल्कुल श्वेता, गाड़ी निकलने का सिलसिला शुरू हो गया और ये सब लोग जो है यहाँ से सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहाँ पर शपथ लेंगे मंत्री पद की। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है जिन लोगों को शपथ लेनी है वो यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। ये सतपाल सिंह की गाड़ी है, वो है इस गाड़ी के अंदर और लोग मीडिया उनसे बात करना चाहती है लेकिन वो इस वक्त शायद बात करने के मूड में नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले शपथ हो उसके बाद बातचीत हो, क्योंकि जो भी उनको अभी तक कहना था वो कह दिया है। आप देखिए कि एक और सांसद जो है वो निकले हैं, तो तमाम उस तरीके के जो लोग हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है वो अब नाश्ता करके निकल चुके हैं और यहाँ से सीधा राष्ट्रपति भवन की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं। अब दरअसल ये भी गुंजाइश नहीं होगी कहने की कि मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और इसीलिए शायद हिमांशु सब बच रहे हैं एक भी शब्द अपनी जुबान से निकालने के। ये उस घुट्टी का ही असर है शायद श्वेता की, सब लोग अब बचना चाहते हैं। रेलवे का पुराना नारा जो था सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी बड़ी जरूरी होगी। राजदीप सरदेसाई भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं लेकिन पहले मैं याद दिलाना चाह रहा था कि जैसे राष्ट्रपति भवन में ऐसे मौके आए हैं पहले कभी, अभी मोदी जी की राजधानी कुर्सी लगते हुए भी हट जाती थी तो इसलिए ये भी याद रखें कि अभी जाते हुए गाड़ी आगे जाके वहां पर फंस जाए। और दूसरी बात जेडीयू पर मैं एक जोड़ना चाहता श्रद्धा जी जल्दी से कि देखिए उनमें भी कई कैंडिडेट हैं तो अंगूर ऊपर लटका रहे तब तक वो लोग रहेंगे, ये भी एक आवश्यक है। एडीएमके को भी अभी साथ में लेने की पूरी कोशिश कवायद चल रही थी इसलिए अभी थोड़ा सा स्लो चले हैं। ये और ये कहना कि कोई बात नहीं हुई है, इसके लिए पहले भी आप देखें नीतीश जी कहते थे अरे हमारा तो कोई बात ही नहीं, संपर्क नहीं है। संपर्क करने के लिए दूसरे लोग लगे रहते हैं। केसी त्यागी खुद भी एक बहुत बड़े उम्मीदवार है मंत्री बनने के लिए। आपने मीडिया ने दो नाम चलाए लेकिन वो देखेंगे कि राज्यसभा में कब उनकी सदस्यता 6 महीने के अंदर हो सकती है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये मोदी जी पर निर्भर है। लेकिन यदि उनका रोल सबसे शरद यादव से तोड़ करके लिया गया, उनके जरिए नीतीश से बात की गई, नीतीश के लिए वो काम करते थे, तो ऐसे सब पेच है और जिसको बना देंगे कल जेडीयू में वहां विद्रोह हो जाए, कुछ और समस्या पैदा हो, तो अभी उसको थोड़ा अंगूर लटकाए रखना मुझे लगता है कि मोदी जी को ज्यादा उचित लगा है। राजदीप, जो सबसे बड़ा शौक था वो 9 चेहरों के रूप में आ चुका लेकिन आज जो जब ये पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा उसमें सबसे बड़ा शौक क्या होगा? देखिए मेरे पास एक अखबार सामने है जिसमें कहा गया कि 9 मंत्री हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कल सुबह 9 मंत्री हेडलाइन नहीं बन सकती, हेडलाइन होगी कि कौन बनेगा रक्षा मंत्री। एक घंटा भी नहीं रहा है कैबिनेट रिशफल पे, अभी भी कई रूमर्स हो रहे हैं कि कौन बनेगा रक्षा मंत्री, क्योंकि इस सरकार में आप देखें अगर ये 9 की लिस्ट अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक तो अभाव है, आपके पास ऐसे नेता नहीं है जिनके पास या तो गवर्नेंस की एक तरह से का अनुभव है या इतना टैलेंट है, इस वजह से आपके पास, क्योंकि ये जो 9 नाम है इनमें से ऐसा कोई इस समय व्यक्ति नहीं रक्षा मंत्री का है, इसलिए मैं पूछूंगी आपसे कि अरुण जेटली बेहतर वित्त मंत्री थे कि बेहतर रक्षा मंत्री थे? देखिए आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसमें मैं फंस गया दोनों तरफ से। अगर मैं आज की तारीख में कहूं कि अरुण जेटली बेहतर रक्षा मंत्री थे क्योंकि दो समस्याएं थी श्वेता अरुण जेटली के सामने 15 दिन पहले। एक समस्या थी कि किस तरह से आप ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को किकस्टार्ट करेंगे, एक नई ऊर्जा देंगे। दूसरी तरफ चीन के साथ डोकलाम की समस्या थी। आज की तारीख में डोकलाम की समस्या आप एक तरह से सुलझा पाए हैं लेकिन जो ग्रोथ की समस्या थी वो तो और भी बढ़ गई है। तो अगर आपका आपके सवाल का सीधा मैं जवाब दूं तो मैं कहूंगा कि आज वित्त मंत्रालय में ज्यादा समस्याएं हैं और रक्षा मंत्रालय में आप कह सकते हैं कि अरुण जेटली ने कम से कम ये दिखाया चीन के खिलाफ कि हमारी सेना में एक तरह से एक शक्ति है, हम चीन को एक तरह से आंख में आंख मिलाकर उनको टक्कर दे सकते हैं। उसके लिए तो इस सवाल में अगर अजीत डोवाल उस पर कहेंगे आपसे, उस पर सेना अध्यक्ष कहेंगे, उसमें किरदार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए श्वेता आज की तारीख में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सरकार में, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर
देख रहे हैं, 9 में से 4 तो ब्यूरोक्रेट्स आ गए, 1 2 IPS 1 IAS और 1 IFS। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार को भी ये लगता है कि अजीत डोवाल की तरह अगर हमको और 4 व्यक्ति कहीं मिल जाए जो पूरी तरह से सरकार की एक यंत्रणा पर अपनी पकड़ बना पाए तो वो हमको बेहतर लगेंगे। भले ही कोई मंत्री, कल की बात मैं कहूं, एक कर्नाटका का MP था, उसने पूरा एक तरह से अपना नया कुर्ता पजामा स्टिच किया था, वो 4 बार MP रहा है, उसको बिल्कुल कर्नाटका के सभी पत्रकारों को उसने कहा कि मैं कल मंत्री बन रहा हूं, आप जरूर आइएगा। बंगलोर में भी उन्होंने सबको बताया, आज की तारीख में उनका नाम ही नहीं है। असम के एक सज्जन का नाम भी रक्षा मंत्री के लिए चला था, वहां के अखबारों में छप गया, नाश्ते पे तो नहीं है वो। नहीं, आज की तारीख में मैं कहूं, एक मेरे महाराष्ट्र के दोस्त हैं जो मंत्री हैं, उनके सेक्रेटरी ने मुझे रात को 1:30 बजे SMS किया है कि हमारे जो बॉस है वो रक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहां से आपको ये खबर आई है? इसे नहीं नहीं ऐसी बातें चल रही है, मैंने कहीं सुना है। तो यानी जो PS होता है, एक जमाने में PS सब खबरें आपको देता था, आज PS के बाद बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि PS जानता है कि मेरे बॉस को कौन सा मंत्रालय मिला। आपने जिस मंत्री की बात की वो महाराष्ट्र में मंत्री है या यहाँ मंत्री है? नहीं, यहाँ मंत्री है, ऐसे दो वो सत्य के कुछ करीब है। अच्छा है, तो वो तो हमको पता चलेगा। नहीं, ये सवाल ये है कि मुझे नहीं लगता उनको 100% आज ये आप कह सकते हैं है कि मेरे जो बॉस है वो रक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सबको फंसाए रखा है, खुद के पार्टियों के लोगों को नहीं मालूम कि कौन किस मंत्रालय में जा रहा है। हिमांशु, नेता वहां से निकल रहे हैं एक एक करके, शपथ ग्रहण के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, हम कितने देर में उम्मीद करें कि ये जिस सस्पेंस की बात हम कर रहे हैं यहां पर, जिस पे सब अपनी सब चर्चा कर रहे हैं, वो सस्पेंस खुलेगा कितनी देर में अब से? देखिए, सस्पेंस बहुत ही थोड़ी देर के अंदर जो है वो खुल जाएगा। लेकिन मैं श्वेता एक आपको जानकारी दे दूं, जो बात हम कह रहे थे कि जिन लोगों को प्रमोट किया जाएगा उनमें धर्मेंद्र प्रधान भी है, और धर्मेंद्र प्रधान खुद नाश्ते पे आए थे प्रधानमंत्री के साथ और वो भी जो है हाथ हिलाते हुए चले गए। मतलब साफ है कि उनको भी जो है प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, एक बड़ी चीज है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने गिवअप और उज्ज्वला स्कीम दोनों को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया और ये प्रधानमंत्री की बड़ी अचीवमेंट्स में रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के पीछे बीजेपी के रणनीतिकार और सरकार के रणनीतिकार ये मानते हैं कि उज्ज्वला स्कीम बहुत महत्वपूर्ण थी, उसका बहुत सहयोग मिला, गरीबों तक पहुंची, उससे महिलाओं का वोट उनको बहुत ज्यादा मिला इस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनावों के अंदर। ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अब जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में देखे जाएंगे। अब देखना यह होगा कि उनके पास यही विभाग रहेगा पेट्रोलियम, या उनका भी विभाग बदलकर उनको कुछ नया विभाग दिया जाएगा जिसमें वो ज्यादा काम कर सके प्रधानमंत्री के लिए। जी, उड़ीसा के लिए भी, चूंकि देखिए बहुत असली बात यह है कि उड़ीसा में भी वो उसी तरह से बहुमत लाना चाहते हैं, चाहे वो बिहार में हो चाहे यूपी में हो। उड़ीसा जबकि कठिन डगर है, लेकिन वहाँ विकल्प के रूप में बीजू जनता दल के सामने एक बड़े विकल्प के रूप में धर्मेंद्र प्रधान को अभी से प्रोजेक्ट, वो मुख्यमंत्री उस समय बनाएंगे नहीं बनाएंगे कि आपके संबित पात्रा उनको भेज देंगे वो अलग बात है, जो महत्वाकांक्षा कई नेताओं की हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़े धर्मेंद्र प्रधान को लगातार जिस तरह से प्रतिष्ठित किया जा रहा है, इसके पीछे मंत्रालय के कामकाज से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उड़ीसा की बागडोर, यहां से बैठ के मंत्री के रूप में आप अपने को प्रोजेक्ट करिए कि ये सरकार क्या कर रही है। लेकिन आप संबित पात्रा को अगर उड़ीसा भेजेंगे तो टीवी चैनल्स और स्टूडियोज में कौन रहेगा? तो इतनी जल्दी आप संबित पात्रा जो कभी आज तक एक चुनाव जीते नहीं है, आप उनको डायरेक्ट अब यूपी के ऐसे पहली बार वाले बहुत सारे ऐसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी ये कहा जा रहा था एक जमाने में, इसलिए पहले से राइट ऑफ हुआ कर रहे हैं। आज आलोक जी ने अगर उनकी कोई थोड़ी बड़ी गुंजाइश थी वो भी खत्म कर दी। हम एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, इससे पहले किसी और की गुंजाइश खत्म हो हम लौटेंगे। ये एक एक करके जो सारी जानकारी हमारे सामने आ रही है धीरे धीरे, वो बहुत दिलचस्प है और कुछ ही देर में ये खुलने वाला है कि कौन किस मंत्री पद, कौन सा पद किस मंत्री को दिया जाता है। कोशिश करेंगे कि इस ब्रेक के बाद ही ये पता चल जाए। आप देखते रहिए आज तक, जो 9 चेहरे हैं जो अब से कुछ देर पहले निकले हैं प्रधानमंत्री आवास से नाश्ता करके, और जो उनसे उम्मीद की जा रही है उसकी घुट्टी पीकर, उनमें से एक है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये जोधपुर से लोकसभा के MP हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। उनसे हमारी संवाददाता पूजा शैली ने बातचीत की।
बेटी की तरफ से आज क्या गिफ्ट मिलने वाला है फादर को? कुछ स्पेशल उनको आपने कहा? कुछ उनके लिए आज आप कुछ तैयारी कर रही हैं गिफ्ट की? He has given us the biggest gift. हम क्या दें? मैम, डॉटर एक तरफ एंड बेटर हाफ एक तरफ, तो जब आपको पता चला, मैम आपने तो देखा होगा काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो जब मंत्री बनते हैं, मंत्रालय मिलने वाला है, ओहदा बढ़ गया है, तो कैसा वाइफ के लिए फीलिंग है मैम? अच्छा लगता है मुझे तो खुशी की तो बात हाँ, है, खुशी की तो है ही, जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई जिम्मेदारी भी। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? आपने पर्सनली तो दे दिया, पर हमें भी बताएं कि क्या मैसेज आपने उनको दिया जब कल पता चला आपको, क्या कहा आपने उनको? आज का तो दिन है मैम, आज का तो आप, अब तो आदत हो जानी चाहिए बात करने की, बट कुछ हमें बताइए। अच्छा, आज आपने कुछ तैयारी की है उनके लिए? कुछ तो सुबह आई हूँ तैयारी की, सुबह ही आई है आप सीधा? अभी आई तो कुछ कुछ उनके लिए पकवान आज बन रहे हैं, कुछ उनके लिए मैंने देखा ही नहीं अभी किचन में जाके क्या है तो कुछ कुछ गिफ्ट की तैयारी भी है आपके लिए? अच्छा, कुछ उनका आप इतने सालों से जो उन्होंने काम किया है अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, क्या आपको लगता है वो आज दिख रहा है जो लोगों के लिए? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवार से बातचीत की है हमारी संवाददाता ने। बहरहाल, एक किसान, एक टेक सैवी प्रोग्रेसिव किसान जो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं, जिनके पास डिग्री है एमफिल एमए इन फिलॉसफी, डिग्रियां भी इस बार आलोक जी काफी ध्यान में रखी गई। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अच्छे शिक्षित हों वो लोग भी आए, और बाहर जो अभी राजदीप जी भी कह रहे थे कि लोगों को लगे कि भाई देखिए किस तरह के लोग आ रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं, वो एक विश्वास दिलाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जैसे मैंने कहा अश्विनी चौबे हो सकता है कि संघ के कार्यकर्ता के नाते आए, लेकिन ऐसे और नाम भी वो रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक मैसेज पढ़े लिखे हाँ मतलब वो एसपी शुक्ला या उनको भी कहा जाता है, वो छात्र नेता रहे। तो बीजेपी में वैसे देखा जाए तो आप यूं तो लालू यादव के पास भी डिग्री एलएलबी की भी रही है, इसे डिग्री पर मत जाइए श्वेता जी, असली है कि परफॉर्मेंस में वो कितना कर सकते हैं। ये आजादी के 70 साल बाद अब साक्षरता इतनी बढ़ गई है कि वो बिना पढ़े लिखे नेताओं वाला कंसेप्ट बुरी तरीके से डाइल्यूट हो रहा है। ये बात अलग है कि पढ़े लिखे कितने हैं, उसका असर सरकार पर कितना पड़ता है, गवर्नेंस पर कितना पड़ता है, विवाद इस पर होना चाहिए, बहस इस पर होनी चाहिए, बजाय इसके कि डिग्रियां हैं क्या कितनी किसी। लेकिन इसका मतलब है जो नेता जो है जो 3-4 बार चुनकर आते हैं, उनकी जगह आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं मंत्रालय में जो कभी भी चुनाव जीते नहीं है, जो राज्यसभा में भी नहीं है, 9 में से 4 आप ब्यूरोक्रेट्स को ला रहे हैं जिसमें 2 कभी इस समय सांसद में भी नहीं है। यानी मैसेज क्या जा रहा है? आप नेताओं को कह रहे हैं भले ही आप चुनाव जीत जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको मंत्री बनाएंगे। तो मैसेज बड़ा है इसमें या मोटिव? मोटिव ये है कि आप प्रशासन को बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, दोनों बातें आपकी सही है श्वेता, कहीं ना कहीं आप प्रशासन को बेहतर करना चाहती है, लेकिन इसका ये भी संदेश है कि हमारे जो आज के जो काबिल जो पॉलिटिशियन समझे जाते हैं जो चुनाव जीतते हैं, आप कह रहे हैं चुनाव जीतना और प्रशासन संभालना, ये बहुत दो अलग अलग चीजें। हिमांशु के पास कोई जानकारी है, हम पहले ले लेते हैं। हिमांशु, जी श्वेता जी, नहीं हमें जानकारी मिली कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो आप साझा करना चाहते हैं इस वक्त, बड़ी खबर। श्वेता, मैं आपको बता दूं कि शिवसेना की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री है अनंत गीते, जिनके पास हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय है, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो शामिल नहीं होंगे, और वो बॉम्बे में है इस वक्त, हमारी उनके यहाँ बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, उनके कार्यक्रम है, लेकिन कल उनको जो है निमंत्रण पत्र भेजा गया था, सभी मंत्रियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया था इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना नाराज है, उनको कैबिनेट के अंदर जो है जगह नहीं दी गई है, उनके एक और मंत्री को लेना था, पिछली बार भी ये टल गया था और उसके बाद इस बार भी, तो इसलिए शायद शिवसेना नाराज है। लेकिन हमारी जिनसे बात हुई उन्होंने ये कहा कि अब नाराजगी का क्या कर सकते हैं, रहना तो यही है लेकिन अपनी नाराजगी भी है, इसीलिए उन्होंने ये नाराजगी जो है इस कैबिनेट रीशफल में ना आकर दर्शाई है। अशोक जी, मैंने आपसे भी कहा था, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं इस समय हिमांशु, वो है अनिल देसाई जी। और उनकी बड़ी अजीब स्थिति है, नवंबर 2014 में वो फ्लाइट में आए थे,
उनको पूरा विश्वास था कि वो मंत्री बन रहे हैं और कल तक भी उनको लगा था कि अगर सहयोगी दलों को मोदी जी शामिल करते हैं तो उनका नाम सबसे आगे रहेगा। तो एक बार फिर उनका पत्ता कट गया है और यही वजह है शायद कि इस बार जेडीयू को नहीं दिया गया है, क्योंकि शिवसेना फिर कहती कि अगर आप जेडीयू को मंत्रालय दे रहे हैं तो हमारा नंबर कब आएगा। मैंने पहले आपसे कहा था कि जेडीयू को इसीलिए नहीं इंडक्ट कर रहे हैं, उसमें एआईडीएमके अभी मुद्दा नहीं है, लेकिन शिवसेना बनाम जेडीयू बन गई है बात, और मोदी जी को इसको थोड़ा सुलझाना पड़ेगा आने वाले दिनों, क्योंकि शिवसेना के 18 सांसद हैं और उनके पास इस समय केवल एक ही मंत्रालय है और उनका कहना था कि कम से कम आपको और एक या दो हमें मंत्रालय देने पड़ेंगे। यानी शिवसेना और बीजेपी में जो टग ऑफ वॉर चल रहा है मुंबई में, उसका असर आज कैबिनेट पर दिखाई दे रहा है कि कोई शिवसेना का ना सांसद इस रीशफल में शामिल होगा, ना ही उनको कोई एक एडिशनल मंत्रालय मिलेगा। जरूरत यह भी है कि असली समस्या शिवसेना लगातार जितना मोदी जी पर आक्रमण कर रही है वो कांग्रेस के नेता भी शायद नहीं कर पा रहे। आलोक जी कल तक श्वेता जी ये चर्चा थी मुंबई में कहीं एनसीपी ना आ जाए, क्योंकि एक हफ्ते पहले तो बहुत बड़ी चर्चा पड़ी थी, शरद पवार और सुप्रिया सुले को डिनाइल इश्यू करना पड़ा कि क्या आप इस मंत्रालय में शामिल हो रहे हैं और क्या महाराष्ट्र में भी फेरबदल हो सकता है और वहां भी एक एनसीपी बीजेपी की सरकार बन सकती है। उस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन शिवसेना और बीजेपी में जो एक तरह से जो टक्कर हो रही है मुंबई में उसका असर शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसमें दो जो गठबंधन के पार्टनर है उनमें इस तरह की खींचतान होगी। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।